राजस्थान और पश्चिम बंगाल के उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और दोनों ही जगह बीजेपी चारों खाने चित हो गई है। राजस्थान और पश्चिम बंगाल की कुल 3 लोकसभा सीटों और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें से बीजेपी एक भी नहीं जीत पाई। राजस्थान में जहां कांग्रेस ने लोकसभा की दोनों सीटों और विधानसभा की सीट पर जीत दर्ज की, तो वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। बीजेपी की हार के बाद सोशल मीडिया पर लोग कई तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने जीत के लिए करणी सेना से नौटंकी कराई, लेकिन वो काम नहीं आई। तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि बीजेपी हारी है तो इसका ठीकरा वसुंधरा राजे के सिर पर फोड़ा जाएगा, लेकिन अगर पार्टी जीती तो सहरा मोदी के सिर बांधा जाता। NMF न्यूज की रिपोर्ट।